जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी सोल्जर का जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि आपका दिल्ली कैंट का है। कौन से ईयर का है? ये है आपका 2018 का, ठीक है। इसमें कुल आपको 50 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनको करने के लिए आपको एक घंटे का समय मिलता है। वही बढ़ते हैं इसके पहले सेशन की तरफ। तो हमारा पहला सेशन है जनरल नॉलेज का। तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, भांगड़ा इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो भांगड़ा है किस राज्य का नृत्य है? तो भांगड़ा आप सबने सुना ही होगा, भांगड़ा क्या है? पंजाबियों का, मतलब पंजाब का है। अच्छा, अगर भांगड़ा मैं कुछ बताऊं आपको, तो भांगड़ा पंजाबियों ने 14वीं या 15वीं सदी में कटाई के समय में शुरू किया था, ताकि वो इसको अच्छी तरीके से मना सके। मींस हार्वेस्ट सीजन का ये उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भांगड़ा आपका पंजाब का है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा ही इज कॉल्ड ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक पर्ल, तो इसको जाना जाता है पेले को। पेले कौन थे? पेले आपके, इनको किंग ऑफ फुटबॉल भी कहा जाता था। समझ में आ गया, फुटबॉल प्लेयर थे कहाँ के? ये ब्राजील के फुटबॉल महानतम फुटबॉल प्लेयर में से वो एक थे। इनका जन्म 23 अक्टूबर 1940 में हुआ था। अब इनको हम ब्लैक पर्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल करी है। इन्होंने लगातार 3 बार अपने देश को फीफा वर्ल्ड कप जिताया था। ईयर क्या क्या था? ईयर था आपका 1958, 1962 एंड लास्ट में 1970 में। इसलिए इनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर है ए, पेले इनका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन, जो कि हमारा गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ। गंगटोक कहाँ की राजधानी है? गंगटोक है आपकी सिक्किम की राजधानी। अच्छा, अब ये कब बनी थी? ये बनी थी आपकी जब 1975 में सिक्किम एक अलग राज्य बना था, तब उस समय पे उसने गंगटोक को अपनी कैपिटल बनाया था। तो इसका आंसर है आपका बी, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन, जो कि हमारा टी इज मेनली ग्रोन ऑन। चाय मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है? यहाँ पर बात हो रही चाय की। तो चाय ज्यादातर आपको हिल स्लोप से उगाई जाती है, पहाड़ी ढलानों पर। इसका कोई रीजन है? इसका रीजन है क्योंकि चाय को चाहिए ज्यादा बारिश, और बारिश ऐसा चाहिए उसको धूप भी चाहिए, तो वो आपको स्लोपी एरियाज में अच्छे से मिल पाती है। एक चीज और होती है कि चाय को चाहिए बहुत ज्यादा पानी, तो पानी की मात्रा जो होती है ना, वो आती रहती है और रुकना नहीं चाहिए पानी कभी भी, पानी हमेशा निकलते रहना चाहिए, तो वो आपके स्लोप पे ज्यादा अच्छे से हो पाता है। तो इसका आंसर आपका सी, चाय आपकी हिल स्लोप पे उगाई जाती है। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन, जो कि हमारा द करेंसी ऑफ भूटान इज। भूटान की करेंसी पूछे, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा है आपकी नुगल ट्रम। नुगल ट्रम आपकी भूटान की करेंसी है। अच्छा, इसकी कुछ मैं आपको अगर वैल्यू बताऊं इंडियन रुपीस के तौर पे, तो मैं आपको बताता हूं, 1 रुपए की कीमत है 0.99 नुगल ट्रम। मतलब 1 रुपए अगर आपके इंडिया का है, तो आपके भूटान का वो 0.99 रुपीस है, मतलब नुगल ट्रम के तौर पे है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी, नुगल ट्रम इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा Who can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term of 5 years? Lok Sabha को कौन भंग कर सकता है? मतलब कार्यकाल पूरा होने से पहले बताना है हमें। तो कार्यकाल होने से पहले आपको सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वो भी अपने आप नहीं, उनको प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन के बाद ही करना पड़ेगा। मतलब जो प्रधानमंत्री बोलेगा कि सर इसको आप एक्सपायर कर दो, मतलब डिजोल्व कर दो लोकसभा को, तब वो करेंगे। तो इसका आंसर आपका सी, प्रेसिडेंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सी। आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन, जो कि आपका पीएच ऑफ ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होती है? हाँ, पीएच वैल्यू क्या होती है? देखो क्या होता है, जैसे हमने क्या कर रखा है ना, जैसे मैं कोई भी लिक्विड है, तो हमें उसको ये नापना है कि वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो उसको हमने नापने के लिए एक पीएच स्केल तैयार कर रखा है। उसमें क्या होता है कि अगर उसकी वैल्यू 7 से नीचे है, मतलब अगर उसकी वैल्यू लेस देन 7 है, तो वो एसिडिक होता है, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू मोर देन 7 है, तो वो बेसिक होता है। अगर उसकी वैल्यू करेक्ट 7 है, तो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये हमने तरीका नाप रखा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे पीएच वैल्यू ये होती है, इसके लिए होता है। अब हमें क्या पूछा गया है, ब्लड का क्या होता है? तो ब्लड होता है आपका थोड़ा सा बेसिक मीडियम में। अब बेसिक मीडियम में कितना होता है? तो बेसिक मीडियम में वो होता है आपका 7.4। वैसे जो ब्लड की पीएच वैल्यू की रेंज होती है, वो होती है 7.35 से 7.45 की। बट हम जो एवरेज लेते हैं, वो लेते हैं हम 7.4 का। इसका आंसर है आपका सी, 7.4 इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन, जो कि आपका सिटी ऑफ गार्डन इज कॉल्ड। सिटी ऑफ गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है? सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, या फिर कर्नाटक की राजधानी है। इसको आप सिटी ऑफ गार्डन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको ना हमने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे डेकोरेट कर रखा है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपके प्लांटेशन बहुत अच्छी है, इसलिए। इसका आंसर है आपका ए, बेंगलुरु को आप सिटी ऑफ गार्डन के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन, जो कि आपका हु वाज द राइटर ऑफ द बुक कॉल्ड द टाइटल इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया मींस फ्रीडम नामक जो पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अब
इसमें लिखा क्या गया था, इंडियन फ्रीडम जो किताब थी इसमें क्या लिखा गया था, इसमें इंडियन ने जो स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के टाइम, मतलब आजादी के समय पे हमने कैसे हमने आजादी पाई, क्या क्या हमने आंदोलन किए, वो सब यहाँ पे बताया गया उनके द्वारा। तो इसका आंसर है सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने इंडिया में फ्रीडम नाम की पुस्तक लिखी थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन जो कि आपका, विच कंट्रीज नेशनल फ्लैग इज नॉट रेक्टेंगुलर इन शेप, इनमें से कौन सा देश है जिनका जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आयताकार नहीं है, तो वो है आपका नेपाल। नेपाल का जो नेशनल फ्लैग है वो थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का है, जिसका आंसर आपका सी नेपाल। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन जो कि आपका, इन द यूनाइटेड नेशन हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन गिवन वीटो पावर, यूएन जो आपका संयुक्त राष्ट्र है संघ है उसमें वीटो पावर कितनी कंट्रियों को मिली हुई है। अच्छा पहले ये बताओ वीटो पावर क्या होती है, इसको आपको अच्छे से बताता हूँ। वीटो पावर क्या होती है, ये एक ऐसी पावर होती है जिसमें जैसे मान लो यूएन में कुछ बहुत सारी कंट्रियों का समूह रहता है, ग्रुप है, तो उसमें कुछ कंट्रियों को एक स्पेशल पावर दी गई है जिसको आप वीटो पावर बोलते हो। वो कंट्रियां कितनी है, वो कंट्रियां आपकी पांच। अच्छा वो पांच कंट्रियां कौन कौन सी, मैं पहले आपको नाम बताता हूँ उनके। तो पहली है आपकी यूएसए, फिर है आपकी चाइना, देन आपकी ब्रिटेन, देन है आपकी फ्रांस, एंड एट लास्ट है ये आपकी रशिया। इन पांच कंट्रियों को वीटो पावर मिली हुई है, मतलब ये परमानेंट मेंबर है। अब इनको क्या पावर दी गई है एक्स्ट्रा, वो पावर ये होती है जैसे मान लो हम कोई भी डिस्कस कर रहे हैं, किसी एक में डिसीजन लेना है, बट लगता है कि कोई एक कंट्री उसे सेटिस्फाई नहीं हुई है। मान लो एक कोई डिसीजन लिया गया उस पर चाइना बोलती है कि नहीं यार मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो क्या कर सकती है चाइना अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस जो भी डिस्कशन हो रही है उसको रोक सकती है, वो कह सकती है कि भाई ये जो भी आपने डिसीजन लिया है इसको कैंसिल करो क्योंकि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूं। ये उसका वीटो पावर का फायदा है। हाँ अगर पांचों, इसका एक फायदा होता है कि अगर पांचों उस पर सेटिस्फाइड होते हैं तभी उसको हम मानेंगे, अगर किसी एक ने भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लिया तो उसको आप रोक सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। ठीक है, क्या सिर्फ यही पांच मेंबर होते हैं, नहीं, कुछ 20 मेंबर और भी होते हैं जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं जो हर दो साल पे चेंज होते हैं, जैसे इंडिया भी कई बार टेम्परेरी मेंबर बन चुका है, ऐसे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पांच कंट्रियां हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है और आपको मैंने बता दिया वीटो पावर का फायदा क्या होता है। तो इसका आंसर आपका बी, पांच कंट्रियों को वीटो पावर मिली हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन जो कि आपका, इन विच ईयर डिड सीवी रमन रिसीव्ड नोबेल प्राइज, सीवी रमन को कौन से साल नोबेल प्राइज मिला था, उनको मिला था 1930 में। अच्छा इनको किस फील्ड में मिला था, इनको मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की फील्ड में इनको मिला था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसके बेस पे इनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। हमने आपके लिए नोबेल प्राइज के ऊपर एक लिंक तैयार कर रखा है, एक पोस्ट तैयार है, उसमें क्या है, उसमें आपको ये बताया गया कि किस किस इंडियन को कौन कौन से साल पे नोबेल प्राइज मिले हैं, किस फील्ड में मिले हैं, उनके बारे में बता रखा है। तो नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर जीडी में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप उस लिंक को जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने सब कुछ आपको अच्छे से डिफाइन कर रखा है। तो इसका आंसर है आपका ए, 1930 का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन जो कि आपका, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। भारत रत्न हमारा हाईली सिविलाइज्ड अवार्ड है जो इंडिया का है, कि कौन से, ये किसको सबसे पहले बार मिला था। पहली बार भारत रत्न दिया गया था 1954 में। अब ये एक साथ तीन लोगों को दिया गया था, मतलब तीन लोग थे जिनको दिया गया था उस दिन, वो थे आपके सी राजा गोपालचारी, फिर मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एट लास्ट मिला था सीवी रमन। इन तीनों को 1954 में भारत रत्न मिला था। अब ऑप्शन में इनमें से कौन है, ऑप्शन में से डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन जो कि आपका, हु इंट्रोड्यूस द राखी फेस्टिवल इन बंगाल इन 1905, 1905 में बंगाल में राखी त्यौहार दोबारा किसने शुरुआत करी थी, दोबारा की बात हो रही है यहाँ पे, पहले तो चलता ही था, उसके बाद ये स्टार्ट किया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इनका मोटिव क्या था, इनका मोटिव ये था कि हिंदू और जो मुस्लिम है वो आपस में एक साथ आए, ये जो आपका राखी का त्यौहार है, इतना पवित्र त्यौहार है, उसका दोबारा लोग अच्छे से मनाए और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी दोबारा बन जाए, ये उनका मेन मोटिव था। इसका आंसर आपका बी, रविंद्रनाथ टैगोर का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन जो कि आपका, फर्स्ट इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर टू विन एन ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीत निर्देशक कौन है, तो वो है आपके एआर रहमान। एआर रहमान का पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है अल्लाह रखा रहमान। अब इनको पहला ऑस्कर अवार्ड कब मिला था, इनको मिला था 2009 में। किसके लिए मिला था, मतलब इन्होंने कौन सी मूवी या कौन से सॉन्ग में डायरेक्ट किया था, उसका आंसर है आपका स्लमडॉग मिलियनेयर में इन्होंने जय हो नाम से गाना कंपोज किया था, उसके लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर है आपका बी, एआर रहमान इसका आंसर है। यहां आपका पहला पार्ट जनरल नॉलेज से खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ जो कि आपका जनरल साइंस।
हमारा 16 क्वेश्चन है, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर, डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या है? तो जीरो ग्रेफाइट क्या है आपस में, ये है आपके एलोट्रॉप्स। अच्छा, ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स वो होते हैं जो बनते एक ही चीज से हैं, बट इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे आपका डायमंड और ग्रेफाइट है, दोनों कार्बन के दो रूप है, मगर दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो इसका आंसर आपका ए, एलोट्रॉप इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन जो कि आपका, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भारत का पहला भूस्थिर उपग्रह क्या था? वो था आपका एप्पल। अच्छा, ये एप्पल सिर्फ एप्पल नेम नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है, मैं आपको वो आपकी फुल फॉर्म बताता हूँ पहले। जो एप्पल है इसकी फुल फॉर्म है एराइन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये आपके एप्पल की फुल फॉर्म है। अच्छा, अभी एप्पल क्या था? ये आपका इन द ईयर ऑफ 19 जून 1981 में इसरो ने एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी थी, जो थी आपकी एप्पल। ठीक है, इसका आंसर है आपका ए, एप्पल आपकी फर्स्ट इंडियन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन जो कि आपका, द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो प्लांट का ग्रीन कलर होता है वो किस वजह से होता है? वो होता है आपका क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्या करता है? जो आपका पत्ता हरा होता है उसमें क्लोरोफिल की वजह से होता है। इसमें क्या होता है? जिससे कि ना उनको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प मिलती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, जिससे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। इसका आंसर आपका सी, क्लोरोफिल। आगे बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन जो कि आपका, HIV इज, HIV क्या है? HIV आपका एक वायरल इन्फेक्शन है। आपने पढ़ा होगा HIV वायरस, तो यस HIV क्या आपका एक वायरल इन्फेक्शन है। इसका आंसर आपका सी। अब HIV फैलता किससे? आपने खुद पढ़ रखा है जो HIV है आपका वो फिजिकल कॉन्टेक्ट से बन सकता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से बन सकता है। तो इसका आंसर आपका सी। आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन जो कि आपका, द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो आपका प्लांट्स में जाइलम होता है, जाइलम आपकी जो ट्यूब्स होती है, या मैं ऐसे कहता हूँ जाइलम आपकी जो टिश्यू होती है, वो क्या काम के लिए करती है, क्या उसका जिम्मेदार होता है? वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में, मतलब पूरे प्लांट्स में, वो आपका जाइलम करता है। अच्छा, प्लांटेशन, अच्छा प्लांट में जो पानी है वो कहाँ से कहाँ जाता है? वो जाता है आपके रूट्स से होता हुआ, क्योंकि पानी रूट्स पे होता है, वो रूट्स से होता हुआ आपकी पूरी बॉडी में, रूट से स्टार्ट होता है पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होता है। उसका आंसर क्या है? जाइलम आपका पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन जो कि आपका, जीरो प्लेज अ वाइटल रोल इन द वर्किंग ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, इनमें से जीरो किस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर से दो ही चीजें समझ पाता है, एक है जीरो और एक है वन। तो जीरो का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, जीरो माने कुछ नहीं और वन मतलब हाँ, तो इसलिए क्या है कंप्यूटर में जीरो की बहुत बड़ा अहमियत होती है। इसका आंसर आपका बी। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन जो कि आपका, रिप्रोडक्शन इज ऑफ डैश टाइप्स, रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है? वो होता है आपका दो तरह का। क्या क्या होता है? एक होता है आपका असेक्सुअल और एक होता है आपका सेक्सुअल। अब इसमें क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट रहता है, और सेक्सुअल पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल का एग्जाम्पल आपका बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, ये सब होता है, और सेक्सुअल का एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी, टू इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन जो कि आपका, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? वो होती है आपकी फीमर, फीमर आपकी सबसे बड़ी बोन होती है। तो इसका आंसर आपका ए, फीमर। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन जो कि आपका, द फॉर्मुला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी संभावित ऊर्जा क्या होती है? ये बात होती है जब आप बात करते हो पोजिशन की, कभी भी अगर आप पोजिशन की बात करो तो वहां पे आप जो एनर्जी यूज करते हो होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी का एक टाइप है, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मुला पूछा गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुला अगर मैं निकालना चाहूँ, अच्छा मुझे बताइए पहली बात तो वर्क का फॉर्मुला क्या होता है, मैं निकालना कोई बताता हूँ निकलता कैसे। वर्क का फॉर्मुला होता है F into में S, मतलब फोर्स into डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का फॉर्मुला होता है M into में A और S को S। कभी भी अगर हम बात करते हैं पोजिशन की, मतलब ऊपर से नीचे की ऊंचाई की, तो वहां पर जो आपका एक्सेलरेशन हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रेविटेशन में, और जो आपका एस है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइट में। तो इसका आंसर क्या हो गया? MgH। वर्क हीटर का एनर्जी का रूप भी है, तो क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला बनता है MgH। तो इसका आंसर क्या है? सी, MgH इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन जो कि आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल बिलोंग टू कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनमें से कौन से जानवर है जो ठंडे रक्त वाले हैं? तो जानवर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके कोल्ड एनिमल कोल्ड ब्लडेड, और एक होते हैं आपके वार्म ब्लडेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके ये सी वाला पार्ट जो है, फिश,
फ्रॉग और अर्थवॉर्म, ये तीनों जो आपके हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो इसका आंसर आपका सी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन जो कि आपका द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। कैसे बना है मैं आपको बताता हूँ। देखो तो इसको बनाते कैसे फॉर्मूला, अगर आपको याद हो ये हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम किसी भी तरीके का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास पहले क्या है, पहले है हमारे पास अमोनियम और उसके बाद है हमारे पास क्लोराइड। तो पहले आप लिखिए इन दोनों का केमिकल सिंबल, वो होता है अमोनियम का होता है NH4 और क्लोराइड का होता है Cl। NH4 की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1 और Cl की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका NH4Cl, इसका आंसर बन गया। तो इस तरीके से आप किसी का भी केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसका आंसर आपका बी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन जो कि आपका RBC स्टैंड्स फॉर। RBC की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है आपकी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या तो रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हो। आपके खून जो लाल होता है हेमोग्लोबिन की वजह से, तो आपका रेड ब्लड सेल्स का ही पार्ट होता है। इसका आंसर आपका ए, आरबीसी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 2800 क्वेश्चन जो कि आपका द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किस इंस्ट्रूमेंट से नापते हो? अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये होता है आपने वी पढ़ रखा है ना, वोल्टेज। वोल्टेज को ही आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हो। तो किससे नापते हैं? बिल्कुल इसको नापते हो वोल्ट मीटर से। तो इसका आंसर है आपका ए, वोल्ट मीटर से आप इसको नापते हो। अच्छा, एमीटर से क्या नापते हो? एमीटर से आप नापते हो करंट को। तो ये भी याद रखना है, करंट के लिए एमीटर और वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन जो कि आपका व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल क्या है? देखो, कभी भी क्या होता है ना, आप जैसे जनरल साइंस का क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपसे सिर्फ ना नाम नहीं पूछेंगे, आप उनसे उस एलिमेंट का सिंबल भी पूछते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए। तो मैग्नीशियम सिंबल क्या होता है? वो होता है आपका Mg। मैग्नीशियम सिंबल Mg, इसका आंसर आपका बी। आइए बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन जो कि आपका साइंस डीलिंग विद प्लांट लाइफ। जो साइंस प्लांट लाइफ से डील करती है उसको आप क्या बोलते हो, किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हो आप बोटैनी। आपने पढ़ा होगा कई सारे कोर्स चलते हैं, जैसे बोटैनिकल कोर्स होते हैं या आप ऑनर्स इन बोटैनी, तो उसमें क्या होता है, प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ते हो। तो इसका आंसर क्या है? बोटैनी, इसका आंसर हो गया, मतलब बी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन जो कि आपका विच मेटल इज फाउंड मैक्सिमम ऑन अर्थ। पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा कौन सा मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है? वो है आपका एल्यूमिनियम। पूरे अर्थ की 8% क्रस्ट की लेयर एल्यूमिनियम से ही बनी हुई है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? वो है आपका एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर आपका डी, एल्यूमिनियम इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन तरफ जो कि आपका लेंस कर्व्ड इनवर्ट इज कॉल्ड। अंदर की तरफ अगर कर्व्ड हो रखा है लेंस तो उसको क्या बोलते हो? वो होता है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, कॉनकेव लेंस इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन तरफ जो कि आपका अ फिश यूजेस इट्स फॉर रेस्पिरेशन। फिश सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? फिश में होता है गिल्स, जल फड़े, जिसका इस्तेमाल वो सांस लेने के लिए करती है। भाई देखो, पानी के नीचे ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों होता है, बट सांस लेने के लिए होता है ऑक्सीजन, तो वो गिल्स से सांस लेती है जिससे कि वो उसमें से ऑक्सीजन को निकाल सकती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, इसका आंसर हो गया। अच्छा, ह्यूमन किसका इस्तेमाल करते हैं? ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं लंग्स का। अभी बढ़ते हैं हमारे 3400 क्वेश्चन जो कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। इनमें से ऐसा क्या है जो केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन? अच्छा, पहले बताइए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये वो होता है जिसको आप दोबारा नहीं बदल सकते हो, या फिर इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज और होती है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, उसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता कभी भी, और उसको आप दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हो, दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हो, और दूसरा एक नया प्रोडक्ट बनता है, हीट भी निकलती है कई बार। तो इनमें से ऐसा क्या है जिसको आप दोबारा नहीं कर सकते? अच्छा, पहला है मेल्टिंग ऑफ आयरन। अगर आपने लोहे को मेल्ट कर दिया, क्या दोबारा लोहा बना सकते हो उसी रूप से? बिल्कुल बना सकते हो, जब वो ठंडा हो जाएगा दोबारा बन जाएगा। दूसरा होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर लोहे में जंग लग गया तो क्या वो दोबारा ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है, आप उसको सिर्फ रोक सकते हो कि और ना जंग लगे, लेकिन वो जंग लग गया तो खराब हो गया। इसका आंसर आपका बी, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका आंसर हो गया। अच्छा, बाइंडिंग ऑफ आयरन, अगर आपने लोहे को बांध दिया किसी चीज से, क्या दोबारा ठीक कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर आपका बी, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन जो कि आपका पावर हाउस ऑफ सेल। सेल में पावर हाउस कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पूरे सेल को एनर्जी देता है। किस फॉर्म में देता है? ATP की फॉर्म में सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ आपका सी, इसका आंसर हो गया। यहां आपका सेशन बी जनरल साइंस खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की रिटर्न एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है जो कि PDFs के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ।
इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ्स के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्याय पर नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल है और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको जीके, साइंस, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है, ठीक है। चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूँ जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyinupdates@gmail.com इस पे कॉन्टेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी जो कि आपका मैथमेटिक्स का। तो हमारा 36वां क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। मतलब ए को लगता है 10 दिन काम को पूरा करने में, बी को लगता है 15 दिन, अगर दोनों एक साथ करें तो कितने दिन में कर लेंगे, क्वेश्चन ये पूछा है। तो काम करते हैं, पहले ए का लिखते हैं, वर्क डन बाय ए इन वन डे, एक दिन में ए कितना काम करेगा वो करेगा आपका 1/10, बी करेगा आपका 1/15, दोनों को जोड़ लेते हैं एक दिन का काम को दोनों के, 1/10 जमा 1/15 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ आपका 3 जमा 2 ये हुआ आपका 5/30, कटिंग करने पर 1/6, इसका मतलब क्या हुआ 6 दिन लगेंगे उनको, तो इसका आंसर क्या हुआ बी 6 डेज इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन तरफ जो कि आपका, द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज आर 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम एंड टाइम इज 2 इयर्स, मूल ब्याज बताना है आपको, मूलधन कितना है 3000 रुपए, ब्याज है 5% का और समय है 2 वर्ष का। पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, पी है हमारा रुपीज में 3000, रेट है 5% का और टाइम है 2 साल का, निकालना क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है अमाउंट, मैं एकदम सिंपल अच्छे तरीके से बता दूं जो आपको हमेशा याद ही रहेगा। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू में 1 + R/100 की पावर t, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, अमाउंट तो निकालना ही है, पी है आपके पास 3000, 1 + R की वैल्यू 5/100, यहाँ हो गया पावर 2, तो सॉल्व करोगे 3000, ये बना कैसे, यहाँ पे मैं कटिंग कर लेता हूँ, 1/20 हो जाएगा, फिर एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा आपका 21 और एक यहाँ पे 21/20, पावर 2 है तो 2 बार लिख लेते हैं 21/20, कटिंग करते हैं 0 0 0 0, 2 1 2 15 2 3 0, तो क्या बचा, ये बचा आपका 15 × 21 × 21/2, क्या आंसर आएगा, यहाँ जो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो है आपका 6615/2, पॉइंट में निकाल लेते हैं काम आसान हो जाएगा, तो 3307.50 ये आपका आंसर आएगा डिवाइड करने पर। अब हमें क्या पूछा गया, सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई होता है आपका a-p, ए आया आपका 3307.5 - 3000, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 307.5 रुपए, इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन तरफ जो कि आपका, 20% of 400 + 30% of 150 will be, क्या बोला है, 400 का 20% और 150 का 30%, दोनों को जोड़ लो। तो काम करते हैं, पहले मैं 20% निकालता हूँ 400 का, वो ऐसे निकालेंगे और जोड़ना क्या है, जोड़ना है 30% किसका, 150 का,
वो भी जोड़ लेते हैं। चलो सॉल्व करके देखते हैं, आपका इसका आंसर आएगा 80 और इसका आंसर आएगा 0 से 0, 0 से 0 15 या 45, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया 125। तो डी 125 इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 39 कुछ दर जो कि आपका इफ 3:8 इज इक्वल टू 6:s देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कहता है, 3/8 अगर 6/x के बराबर हो तो क्या निकालना है x की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 × x इज इक्वल टू 6 × 8, x इज इक्वल टू 6 × 8 अपॉन पे 3 कटिंग करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, सी 16 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 40 क्वेश्चन जो कि आपका द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1053 स्क्वायर मीटर, लेंथ है 39 मीटर की, आपको ब्रेथ निकालना है। क्या कहता है, आपको एरिया दे रखा है और ब्रेथ लेंथ दे रखी है, आपको निकालना है ब्रेथ। तो ब्रेथ का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर केस में एरिया अपॉन पे लेंथ, एरिया है 1053 और लेंथ है आपके पास 39, कटिंग करते हैं 13 × 39 13, 8 × 104 39 × 13 31 × 3 27 × 81, तो लेंथ कितनी ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपकी, ब्रेथ आ जाएगी आपकी 27 मीटर। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए 27 मीटर इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 41वां क्वेश्चन जो कि आपका द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 7/24, वन नंबर इज 6, द अदर नंबर विल बी, दो नंबर है उनके अगर मैं रेसिप्रोकल को जोड़ता हूं तो वो आता है 7/24, दोनों लगातार नंबर है। तो एक काम करते हैं, एक नंबर लेट करते हैं, लेट नंबर हो गया एक्स। क्या कहता है कि अगर आप एक नंबर एक्स को जोड़ते हो 1/6 के साथ तो आंसर आएगा वो आएगा आपका 7/24, आपको निकालना है कि x की वैल्यू। तो निकाल के देखते हैं, 7/24 माइनस में 1/6, एलसीएम लेके देखते हैं, एलसीएम आया 24, 7 माइनस में 6 = 4, 3/24 कटिंग करता हूं मेरा आंसर आएगा 1/8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, बी इसका आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन जो कि आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यहां पे क्या पूछा है, 9 की विभाजकता पूछी है कि 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है, तो बताइए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आप जितने भी नंबर दिए गए हैं सबको जोड़ लो, अगर उनको जोड़ने पर जो नंबर आएगा अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। चलो चेक करके देखते हैं, जैसे इसमें क्या कहता है, 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 7 25 और 1 26, क्या 9 के टेबल में 26 आता है, नहीं आता तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36, क्या 36 आता है 9 के टेबल में, बिल्कुल आता है, तो मतलब ये डिविजिबल होगा। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया, 20 का आंसर हो गया, लेकिन क्या हम आगे वेरीफाई कर रहे हैं, चलो आगे वेरीफाई करके देखते हैं। इसका आंसर क्या है, 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, 27 और 7 34, क्या 34 आता है 9 के टेबल में, नहीं आता। 8, 4, 12, 12 और 3, 15, 15 और 2, 17, 17 और 1, 18, 18 और 8, 26, 26 और 6, 32, भाई ये भी नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी इसका आंसर मिल गया, ये बड़ा आसान सा डिविजिबिलिटी रूल 9 का। आइए बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन जो कि आपका द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर एंड द वाइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ दैट ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल वुड बी। क्वेश्चन क्या आपको कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है, मतलब क्या कहता है, ये कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है आपके एरिया ऑफ स्क्वायर के। अब इसने क्वेश्चन क्या बोला, अब इसने बोला कि जो आपका रेक्टेंगल है उसकी जो ब्रेथ है वो स्क्वायर की साइड के आधे है, मतलब अगर स्क्वायर की साइड दे रखी है 5 × 5, ये होता है एरिया, और ब्रेथ इसका फॉर्मूला होता है L × b, तो ये कहता है कि जो ब्रेथ है वो आपकी 5 की आधी है, 5/2 × 5 × 5 आपको निकालनी है लेंथ। करना क्या है, 5 × 5 × 2 / 5, 1 × 5 = 5 कट जाएगा, 5 × 2 = 10 इसका आंसर आ गया, लेंथ कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, बी इसका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। आइए बढ़ते हैं हमारे 44 क्वेश्चन तरफ जो कि आपका द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:7, इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3168 स्क्वायर सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू, एक कोन है जिसकी आपको रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो दे रखा है, तो रेडियस होता है आर, मतलब हो गया 4x, स्लैंट हाइट माने होता है एल, वो हो गया आपका 7x, सी एस ए आपको दे रखा है 3168 का, निकालना क्या है आर की वैल्यू। सी एस ए का फॉर्मूला लगाते हैं कोन के, वो ये होता है आपका पाई आर एल। अच्छा इनकी वैल्यू बताता हूँ मैं, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, आर कितना है, आर है हमारा 4x का, एल है हमारा 7x। अच्छा आपको पता है ये एल क्या होती है,
मैं आपको श्योर बताता हूँ एक बार, देखो कोन कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, इसमें आर तो आपको पता है रेडियस होती है, हाइट तो ये होती है, जो आपका ये कर्व हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हो आप एल, ठीक है। अच्छा सीएसए दे रखा है, सीएसए आपका 3168 का, आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू, 77 मैंने यहाँ काट दिया, बचा क्या 3168 इज इक्वल टू में एक्स अपॉन पे क्या आएगा 22 इंटू में 4, कटिंग करते हैं 11 टू जा 22, तो यहाँ पे करूँगा 11 टू जा 22, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 2 से काटता हूँ आंसर आएगा 144, 4 से कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36, हमें क्या पूछा है x की वैल्यू क्या आएगी 6, तो इसका आंसर क्या हुआ 6 इसका आंसर हो गया, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस आपका 4x, तो मतलब 4 इंटू में 6 मतलब हो गया आपका 24 सेंटीमीटर का आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या है सी, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन जो कि आपका 0.36 प्लस 1/25, तो एक काम करते हैं इसको मैं सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कुछ ऐसे हो जाएगा, अब सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है 100 होता है 36 25 की में 4 बार में तो 4 3604 होता है 40, ये हो गया 100, इसका आंसर आ गया 0.40, तो क्या आंसर है इसका आंसर आपका ए, ए इसका आंसर हो गया। यहाँ आपका सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है, आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ जो कि आपका रीजनिंग का, तो इसमें 46वां क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, आपको मिसिंग टर्म निकालना है, सीक्वेंस क्या है 1, 2, 2, 4, 8, सीक्वेंस क्या बनता है 1 और 2, 2 1 कम 2, 2 2 नी 4, 4 2 नी 8, ऐसे ही 8 चौक 32, आपको क्या बताना पड़ेगा 32 आएगा, तो इसका आंसर क्या है डी 32 इसका आंसर हो गया, सिंपल आपको सीक्वेंस फॉलो करना होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 47वां क्वेश्चन जो कि आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 वर्ड्स आर गिवन, इन द फर्स्ट 2 वर्ड्स आर रिलेटेड इन वन वे और द अदर, ऑन द बेसिस सॉर्ट आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द थर्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, क्या कहता है ये 2 वर्ड दिए गए इनका कुछ रिलेशन होगा, आपको सेम रिलेशन फॉलो करते हुए इस तीसरे के लिए नया वर्ड देना है, क्या कहता है टेलर के लिए क्लॉज जरूरी है, तो फार्मर के लिए क्या जरूरी है क्रॉप, बिल्कुल फसल बहुत जरूरी है, जैसे भाई दर्जी को कपड़ा चाहिए वैसे किसान को फसल चाहिए, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ आपका ए क्रॉप, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 48वां क्वेश्चन जो कि आपका, तो हमारे 48वां क्वेश्चन कहता है इन अ सर्टेन कोड अलोन इज रिटन एज FOPMB देन शेल बिगिन विल बी रिटन, हमें क्या कहता है जो अलोन है वो अलोन लिखा गया कैसे ALONE को उन्होंने कैसे लिखा है, उन्होंने लिखा है FOPM और P, आपको बताना है कि आप जो बिगिन है वो कैसे लिखोगे, मतलब सीक्वेंस ऐसे फॉलो करना है, तो कैसे करेंगे देखो अगर आप गौर करो तो ए को कैसे लिखा है, ए को लिखा है इन्होंने यहाँ पे, ए के बाद क्या आता है बी तो वो यहाँ पे आया, एल के बाद एम, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ, ऐसे ही ई के बाद एफ, तो ऐसे इन्होंने सीक्वेंस फॉलो करा है, आपको भी यही फॉलो करना है, बी के बाद आता है सी तो वो आप यहाँ लिखोगे, ई के बाद आता है एफ तो वो कुछ यहाँ लिखोगे, जी के बाद आता है एच, आई के बाद आता है जे और एन के बाद आता है ओ, तो क्या बना ओ जे एच एफ सी, तो कौन सा मैच करता है, वो मैच करता है आपका ए, तो ए इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन जो कि आपका, अ वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर इज फॉलोड बाय 4 आंसर वर्ड्स, आउट ऑफ दीज 4 ओनली 1 कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड आउट द वर्ड, क्या कहता है यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एग्रीकल्चर नाम का, ये पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो ऑप्शन में से जो इनसे यूज होकर नहीं बन सकता, चेक करते हैं, पहला है IRATE, क्या यहाँ पे IRATE ही है, हाँ आई है, आर है, ए है, टी है और ई भी है, तो ये बन जाएगा, दूसरा ग्रेट, जी है, आर है, ई है, ए है, टी है, तो ये बन जाएगा, तो तीसरा है लेट, एल है, ए है, टी है, ई है, बन जाएगा, अगला है क्लाइमेट, क्या ये बनेगा, सी है, एल है, आई है, एम तो है ही नहीं, तो मतलब क्लाइमेट नहीं बन सकता, तो इसका आंसर क्या है डी, इसका आंसर हो गया। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन, बी इज डीज मदर एंड सी इज डीज ब्रदर, एच इज ईज डॉटर वाइल डी इज वाइफ ऑफ ई, हाउ आर ई एंड सी रिलेटेड, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हल्का सा फॉलो करते हैं थोड़ा सा चार्ट लाइक, क्या होता है, कहता है कि जो आपकी बी है वो आपके डी की मम्मी है, मतलब डी की मदर है, ठीक है, फिर कहता है कि जो आपका सी है वो डी का भाई है, तो मैं काम करता हूँ जो आपका सी है वो डी का भाई हो गया, मतलब ब्रदर हो गया, फिर क्या बोलता है कि एच इज ईज डॉटर, एच जो है वो ई की डॉटर है, इसको एक बार स्किप करते हैं अगला पढ़ते हैं, डी इज वाइफ ऑफ ई, डी है ये ई की वाइफ है, तो इसका मतलब, और एच जो है वो इसकी डॉटर है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है
ये बताइए कि सी और ई का रिलेशन क्या है। अच्छा देखिए, सी ई आपका क्या है, हस्बैंड है, डी उसकी वाइफ हुई, और सी उसका भाई, उसकी वाइफ का भाई है, मतलब क्या हुआ उसका, मतलब एक तरीके से ब्रदर इन लॉ, मतलब उसका साला हुआ। तो इसका आंसर क्या है, बी, बी इसका आंसर हो गया। यहाँ आपका इंडियन आर्मी सोल्जर जी डी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपका दिल्ली का है वो खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट आया हो तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने इससे पहले 3 प्रीवियस ईयर पेपर पहले कर चुके हैं, ये हमारा 4th प्रीवियस ईयर पेपर था। अगर आप पीडीएफ में इंटरेस्टेड है तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और, हमने आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं, जिसमें क्या है, जिसमें ना आपको इन क्वेश्चन को ही हमने सफल करके डाल रखे हैं। उसमें क्या है, आपको अगर जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, जो समझा है, उसके बेस पर आप उसको अटेम्प्ट करो, मतलब आप एक टेस्ट दो और उस पर अपना स्कोर और अच्छे से बनाओ। सर ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का ही है, हमने सारे प्रीवियस ईयर पेपर कई सारे सेट्स पर डाल रखे हैं, आप उसको वहां जाकर कंटिन्यू करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको जरूर इस्तेमाल करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।